कैसे खा खा कर मोटी हो गई, बोलो भूल गई। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से कोलकाता। तो हम आपको दिखाएंगे कोलकाते का नज़ारा और हावड़ा ब्रिज, और हम आपको दिखाएंगे दून एक्सप्रेस ट्रेन का सफ़र, खाना कैसा है कैसा नहीं है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना गाइस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ का कल्चर कैसा है। तो गाइस, मैंने सुना है वहाँ पर मच्छी चावल बहुत फेमस है और कलकत्ते का रसगुल्ला बहुत फेमस है। तो गाइस, बने रहना इस वीडियो में और लाइक करना मत भूलना गाइस। तो गाइस, ट्रेन हमारा एक घंटा लेट है, हम बैठ रहे हैं नगीने से बैठेंगे हम, सीधा जाएंगे हावड़ा। तो गाइस, रात को बज रहे हैं 12, तो हम आपको मिलते हैं ट्रेन में। तो गाइस, बैठ चुके हैं हम ट्रेन में, ना आती टाइम पुलिस टाइम से, ना आती है ट्रेन टाइम से। तो बने रहिए गाइस ब्लॉग में। सुबह के 7 बजने वाले हैं, तो अभी हम ट्रेन में सफर हैं और कुछ ही देर में हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको लखनऊ आके दिखाते हैं, लखनऊ का स्टेशन और आगे का सफर हम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सुबह का जो नाश्ता है, हमने घर पे से जो है पकौड़ी बना लाए थे पालक की और प्याज की, खीरा हमने छोड़ लिया है और प्याज कटिंग कर रहे हैं, साथ में हम परवल लाए हैं। तो हमारा जो मित्र दोस्त, हाय दोस्तों, कटिंग कर रहे हैं। तो कुछ ही समय में लखनऊ आने वाला है, तो आप देख सकते हैं माहौल, ट्रेन का जो माहौल है। सब रिजर्वेशन डब्बा हो। तो आयो दोस्तों, हम आ चुके हैं लखनऊ, और लखनऊ का हमारा जो नगीने से हमने सफ़र कराया, लगभग सफ़र हमने कराया 10 घंटे का सफ़र कराया। अभी तो बहुत बाकी है और आगे जाना है अभी कोलकाता। तो हम जम्मू तभी भी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, गाड़ी हमारी चल रही है। तो सुबह को 7 बज चुके हैं, हमारे रिजर्वेशन सब बैठे हैं अभी। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो है खाना है, रेलवे का खाना आ चुका है, लेकिन अभी जो है कैंटीन, रेलवे की कैंटीन बंद कर दिया गया है। तो अभी खाना जो बाहर से आता है, खाना स्टेशन पे से ही, तो खाना देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो दोस्तों, शाम को 8 हो गए, 8 बज चुके हैं, 8 PM। तो हमारा जो है खाना आ चुका है, तो हम आपको खाना दिखाते हैं, जो रेलवे का खाना कैसा होता है, और हमने जो खाना लिया है कौन सा खाना लिया है आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो पैकिंग है, पैकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं है खाना कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन खाना तो हमें बिल्कुल ठंडा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा खाना है। अब पता नहीं है कैसा है खाना, तो देखते हैं कैसा है स्वाद कैसा नहीं है इसका, बोलते हैं इसे, तो देखते हैं स्वाद कैसा है नहीं है। साथ में आया जी पनीर, आलू की सब्जी, जो है जी दाल, जो है जी ठंडे चावल, अचार का पाउच से निकला अचार, जो निकला थोड़ा सा अचार, जो पड़ी है जी सूखी रोटी, 120 रुपए की थाली, ठंडा थाली खाओ मज़े से, पनीर। देखते हैं खाना कैसा है। घटिया भी स्वाद नहीं है, उबाल कर रख दिया खाना, बिगाड़ा खाना, अगर वजह बासी खाना हो। तो गाइस, आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग हावड़ा में, जब भी सफ़र करेंगे आपकी मर्जी है, खाना आप खरीद के भी खा सकते हैं या घर से पैकिंग करके ला सकते हैं। दोपहर तो हमने घर से खाना लाया था, हम वो खा लिया हमने, अभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो हमने खाना लिया है, देखते हैं। तो दोस्तों, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो हमने खाना फेंक दिया थोड़ा बहुत खा के जो खाना था। तो हम रेलवे सरकार से यही डिमांड करना चाहते हैं, कुछ खाने पर थोड़ा सुधार लाइए आप, खाना अच्छा नहीं था लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बज गए हैं और हम हावड़ा पहुंचने वाले लगभग 10 बजे के आसपास।
तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कैसे खा खा कर मोटी अफसोस हो के और ये कोई पतला होता जाएगा खा खा के चलो भूल गई तो दोस्तों देख सकते हैं आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बारिश पड़ रही है तो देख सकते हैं ठंडा मौसम हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त। तो आखिरकार दोस्तों हम हावड़ा पहुंच चुके हैं। हावड़ा पहुंचने में कम से कम हमें 36 से 38 घंटा लग चुका है। बहुत ही सफ़र, बहुत ही हार्ड रहा सफ़र, लेकिन आप आइए कभी घूम के जाइए कोलकाता और हम आपको दिखाते रहेंगे नज़ारा कोलकाते का और विलेज का। तो आप देख सकते हैं हावड़ा स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है, हावड़ा स्टेशन आपको अच्छी तरह दिखाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और आपको दिखाते हैं हावड़ा ब्रिज। तो देखिए दोस्तों ये हावड़ा स्टेशन है, कम से कम 25 से 30 प्लेटफॉर्म है इसमें। बाहर जाने का गेट सर ये है फुल फैमिली। तो आप देख सकते हैं वो हावड़ा ब्रिज सामने ही है, स्टेशन से निकलने के बाद ही थोड़ा दूरी हावड़ा ब्रिज है और हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे ले जाके। वो देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज और ये हमारा हावड़ा ब्रिज। देखने वाली चीज़ यही है, जिसने बनाया था उसका हाथ सुना है हमने, हाथ कटवा दिए थे। देखिए कितना लंबा है हावड़ा ब्रिज, कितना बड़ा है, लंबा नहीं कितना बड़ा है। तो देखिए गाइस ब्रिज देखिए। देखिए यो ब्रिज के नीचे कितना ट्रैफिक चल रहा है। तो देखिए गाइस बोट चल रहे हैं उधर। तो यह है पूरा गंगा, गंगा मैया और ये गंगा मैया के नीचे तो ऊपर सॉरी जो है पूरा ब्रिज खड़ा, हावड़ा ब्रिज। तो कितने पब्लिक कितने आदमी जा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग विलेज पे, तो वहाँ का खाना पीना कैसा है, रहना कैसा है, तो हम आपको वहाँ का वीडियो शूट करके आपको दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।